कोविड-19 के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर अभियान चला के कोरोना संक्रमितों की पहचान करें, जिसके उनके समय पर इलाज हो सके। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। माइक्रो प्लान्स को ही हम लोग इसमें आधार बनाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेंसिटाइजेशन, हमें करना है। घर घर जाएंगे हमारे वर्कर्स, दो मेंबर्स की लोग टीम बनाएंगे, वो घर घर जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि कोविड क्या होता है, किस तरीके से ये फैलता है, बचाव के क्या तरीके हैं, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना, ये क्यों जरूरी देनी होगी, ये सही तरीके से उनको समझाना होगा कि क्या मैसेजेस देने हैं। इसके बाद जो दूसरा काम है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट्स है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट्स, तो सस्पेक्ट की डेफिनेशन स्टिल रिमेन्स द सेम, फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस। इन तीनों में से अगर कोई भी सिम्टम किसी व्यक्ति में मिल रहा है तो उसको हम सस्पेक्ट कहेंगे, और सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्टिंग के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी डेवलप किया हुआ है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो हाई लाइव लिस्टिंग हमको करनी है हाई रिस्क पर्सन की। ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले व्यक्ति हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनकी हम लाइव लिस्टिंग करें। कोमॉर्बिड कंडीशन में जो हम अभी फोकस कर रहे हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, मॉर्टेलिटी जितनी हो रही है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केसेस इन्हीं दो कोमॉर्बिडिटीज के हैं। इसके बाद कोई कैंसर कीमोथेरेपी का है तो उसको भी हम लाइव लिस्ट करेंगे। कोई कार्डियक डिजीज का पेशेंट है उसको हम लाइव लिस्ट करेंगे, और कोई क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, डायलिसिस वगैरह चलता है तो उसको भी हम लाइव लिस्ट करेंगे। देन ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद में जो प्लानिंग है किस तरीके से हमें करनी है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम कम है तो पल्स पोलियो के माइक्रो प्लान को हम एज सच उठा लेंगे। उसके बाद पल्स पोलियो कैंपेन का जो एक 3 दिन की एक्टिविटी है उसको हम कोविड सर्विलेंस में 2-3 दिन में कवर करेंगे। मतलब जो आपका 5 दिन का प्लान है वो एज सच 10 दिन का बन जाएगा। तो एक्टिविटी जो है वो, जैसे अभी मेरा डिवीजन 2 तारीख को एक्टिविटी शुरू कर रहा है तो वो एक्टिविटी 2 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। इसके बाद जो एक्टिविटी का टाइम है वो 8 बजे से 2 बजे तक रहेगा। सुपरवाइजर जो है वो अपने नोडल इंचार्ज की सर्विलेंस टीम बनी है, उसमें भी 5 काम के टीम को यहां पर ये हमें अब मेल नंबर करिए तो आप लोगों का पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग का पैकेज होगा, सेम मैनेजर को फॉलो करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 6 बजे तक रिपोर्ट अपना डेली की भेजेंगे। देन डेली रिव्यू मीटिंग हमारी होनी है ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स का मतलब ये है कि नॉन कंटेनमेंट जोन में सारे सारी के केसेस और कोमॉर्बिडिटी वाले केसेस, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। उनको आईटीएम की करेंगे सप्लाई पोर्टल पर। कंटेनमेंट जोन में हम सारे सिम्प्टोमेटिक, उसमें RDLI और सारी दोनों इंक्लूडेड है, उसकी एंट्री करेंगे और ये सारा डेटा सीधे सर्विलेंस पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। सर्विलेंस पोर्टल पर उनकी एंट्री होगी।